पाकिस्तान के जमात इस्लामी के जवानों, बुजुर्गों, कारकुनान, दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज आप अपने फलस्तीनी भाइयों, बहनों और मजलूमों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर निकले हैं। और मेरे दोस्त हमारे जिया यूथ के सदर शुएब अवान ने कहा कि हर बार जमात इस्लामी की लोग ही निकलते हैं, लेकिन सिर्फ जमात इस्लामी का फर्ज तो नहीं है कि वो इन मजलूमों के साथ इजहार यकजहती करें। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई निकले या न निकले, कोई मैदान में आए या न आए, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी ने हर वक्त हर जगह मजलूम की बात की है, जुल्म के खिलाफ बात की है, और हम ये बात करते रहेंगे। चाहे हमें रोजाना सड़कों पर निकलना पड़े, चाहे हमें घंटों के हिसाब से निकलना पड़े, इंशाअल्लाह हम निकलेंगे और हर मजलूम का मुकदमा लड़ेंगे, हर मुसलमान का मुकदमा लड़ेंगे। 27 अक्टूबर का दिन, और ये वो दिन है जब 1947 में इंडिया ने अपनी फौजें कश्मीर के अंदर उतारी और कश्मीर पर नाजायज और गासबाना कब्जा किया। आज पूरे मुल्क के अंदर योम सियाह के तौर पर हम मनाते हैं। आज जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की अपील पर पूरे पाकिस्तान में योम सियाह के तौर पर मनाया जाता है, और हजारों की तादाद में वहाँ पर औरतों की असमत दरी की गई है, औरतों की इज्जतों को लूटा गया है, बच्चों को शहीद किया गया है, और पिलेट गन की सूरत में उनकी आंखों को, चेहरों को मजाक किया गया है। इस वक्त देखा जाए तो अक़वामे मुत्तहिदा और पूरी दुनिया इसके ऊपर खामोश तमाशाई बनी हुई है। अक़वामे मुत्तहिदा तो जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म बर्बरियत होती है वो हर वक्त खामोश तमाशाई भरी बैठी होती है, और मग़रिबी दुनिया के आला कार की सूरत में खामोश मुंह के ऊपर कपड़ा बांधा होता है, लेकिन अगर कहीं गैर मुस्लिमों पर थोड़ी सी भी आफात आती है, तकलीफ आती है, तो ये अक़वामे मुत्तहिदा और उसकी गैरत भी जाग पड़ती है और वो फौरन उसके ऊपर एक्शन लेती है और अमल दरामद की सूरत में आगे आती है। इसलिए हम अक़वामे मुत्तहिदा से भी कहना चाहते हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि आप अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराएं। वो करारदादे जो दहाइयों से आपकी मेज के ऊपर पड़ी हुई है, अपनी करारदादों पर तो कम अज कम आप अमल दरामद कराएं और कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दिलाया जाए।